दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बुखार के दौरान हमें क्या खाना चाहिए? क्योंकि इस दौरान हमारा मुंह काफ़ी कड़वा होता है, जिसके कारण हमें कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। दोस्तों, आखिर बुखार के दौरान हमारा मुंह कड़वा क्यों होता है? अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर हमें बुखार के दौरान क्या खाना चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल टेक्निकल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि बुखार के दौरान हमें हल्का और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, जो कि आसानी से पच सके, जिससे हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत ना हो। जैसे ताजे फल, उनका जूस, हरी सब्जियाँ जैसे टमाटर, पालक आदि। दोस्तों, बुखार में दलिया, खिचड़ी, शहद और नारियल पानी का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनको पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को अत्यधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, यह आसानी से पच जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको केवल नॉर्मल बुखार है तो आप दूध का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन गंभीर बुखार के साथ कोई अदर प्रॉब्लम जैसे पेट दर्द, उल्टी, दस्त जैसी और अन्य बीमारियां हैं तो इस हालत में दूध कतई नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारा पाचन तंत्र दूध को ठीक तरह से पचा नहीं पाएगा और हमारी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे पाया। तो अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।